नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट इंस्टेंट पेस्ट्री। आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेस्ट्री घर में ही बहुत ही सॉफ्ट और यमी डिलीशियस सी चॉकलेट पेस्ट्री हम बना सकते हैं। ये देखिए आप, इसको मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया इसकी लेयर्स बनी हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। किसी को विश्वास ही नहीं होगा, जब आप घर में किसी को सर्व करेंगे ना तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये हमने घर में बनाई है। बहुत ही टेस्टी, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मॉइस्ट है, एकदम मार्केट जैसी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट इंस्टेंट पेस्ट्री और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रीम बनानी है, व्हिप्ड क्रीम बनानी है चॉकलेट वाली। तो यहाँ मैं अमूल फ्रेश क्रीम से बना रही हूँ। आप कोई सी भी मार्केट में जो थिक क्रीम आती है उससे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। उससे लो स्पीड से हाई स्पीड पर ले जाते हुए इसको हम व्हिप करेंगे। इसको पहले मैंने फ्रीजर में एक घंटे के लिए रख दिया था, बिल्कुल चिल्ड हो गई है ये। तो इस तरह से ये देखिए बना सकते हैं। डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं आप। तो ये देखिए व्हिप्ड क्रीम हो चुकी है तैयार। इसको अब हम चॉकलेट का फ्लेवर देंगे। उसके लिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ कोको पाउडर इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच कोको पाउडर इसमें ऐड किया है। लगभग 1.5 पाइपिंग बैग भर के मैं क्रीम बनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 फ्रेश क्रीम के पैकेट लिए थे, उससे मैंने तैयार किया है। थोड़ा सा मैंने सूखा मिक्स करके अब मैं इसको वापस बीटर से बीट कर रही हूँ। तो क्रीम हो चुकी है तैयार। अब बनाएंगे हम ये शुगर सिरप। 1/2 कप पानी और मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून शुगर लेकर के, और इसको मैंने ये शुगर सिरप तैयार कर लिया है। इससे हम ब्रेड को स्वीटनेस देंगे और मॉइस्चर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रे ली है जिस पर हम ये बनाएंगे अपनी पेस्ट्री चॉकलेट वाली, और ये सिरप हो चुका है तैयार। आप कोई भी प्लेट या कोई भी बेकिंग ट्रे कुछ भी ले सकते हैं जिसके ऊपर हम ये पेस्ट्री तैयार करेंगे। अब यहाँ मैंने लिए 4 ब्राउन ब्रेड ली हैं। आप वाइट से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चॉकलेट पेस्ट्री बना रही हूँ तो मैं प्रेफर कर रही हूँ इसको ब्राउन ब्रेड लेने के लिए। तो ये देखिए 4 मैंने ली हैं। जितनी आपको हाइट बनानी हो पेस्ट्री की, उतनी ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 4 लेयर की यहाँ पर पेस्ट्री बनाऊँगी तो हाइट बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले इसके हम कॉर्नर्स काट लेते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स थोड़े से हार्ड होते हैं। पेस्ट्री में हमें हार्ड चीज़ की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कॉर्नर्स मैंने काट लिए हैं, अब एकदम सिमेट्री में आ चुकी हैं 4 ब्रेड। तो अब इनको हटा करके हम एक साइड में रख देते हैं, और जिस भी ट्रे पे आप बना रहे हैं उस पर हम एक एक करके इसकी लेयर बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम उल्टी ट्रे करके मैंने रखी हुई है उस पर शुगर सिरप लगा रही हूँ मैं, ताकि हमारी पेस्ट्री इस पर अच्छे से चिपक जाएगी। जब हम असेंबल करेंगे तो ये हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब एक ब्रेड हमने ली है कटी हुई कॉर्नर वाली, उस पर शुगर सिरप लगाएंगे सब तरफ, इसकी एजेस पे, सेंटर में, सब तरफ अच्छे से बिल्कुल इसको मॉइस्ट कर देना है ब्रेड को। इससे ये ब्रेड एकदम स्वीट हो जाएगी। मीठी नहीं होती ना ब्रेड, एक्चुअली फीकी होती है, इसलिए हम इसको स्वीटनेस दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने लगा ली है। अब मैं इस पर लगाऊंगी क्रीम जो हमने तैयार करके रखी थी, उसको बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करना है आपको, और अच्छी थिक लेयर बनानी है। चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करते हुए लगाना है। ये देखिए मैंने लगा लिया है, ताकि क्या होगा कि जब हम इसको कट करेंगे तो इसकी लेयर बहुत अच्छी सी थिक दिखेंगी और बहुत बढ़िया लगेगी। तो यहाँ मैंने लेयर लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर बना रही हूँ। दूसरी ब्रेड मैंने रख ली है, तो इसको भी हम इसी तरह से मॉइस्ट करेंगे। इसके अंदर शुगर सिरप में फ्रेंड्स मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड किया है। तो ये दूसरी लेयर भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए उसके ऊपर भी हम क्रीम लगा देंगे। आप कोई भी क्रीम लगाने के लिए, मैं बटर नाइफ इस्तेमाल कर रही हूँ या इस तरह से कोई स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिससे बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाए। तो ये देखिए अब ये 3rd लेयर हमारी आ चुकी है, इसको भी हम मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप से। तो ये देखिए इसको भी मॉइस्ट करके हम इसके ऊपर भी इस तरह से हमारी चॉकलेट की व्हिप्ड क्रीम जो है वो स्प्रेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है यहाँ पर आपको, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना ज़्यादा स्मूथ आप स्प्रेड करेंगे उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए चौथी वाली जो लेयर है उसके लिए मैंने 4th ब्रेड लगा ली है, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब मैं यूँ कह रही थी फ्रेंड्स कि आप जितना ज़्यादा इसको स्मूथली सब तरफ से बिल्कुल कवर करके जितना ज़्यादा बढ़िया इसको स्प्रेड करेंगे उतनी ही हमारी पेस्ट्री दिखने में खूबसूरत लगेगी। वरना पेस्ट्री जब तक खूबसूरत नहीं हो ना फ्रेंड्स, तब तक वो खाने का भी मन नहीं होता। जब तक आपके कोई चीज़ कहते हैं ना, जब देखने में बहुत खूबसूरत होती है तो खाने में भी अच्छी होती है। देखिए मैंने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है, ये देखिए कहीं से भी ब्रेड को खुला नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छे से लेयर लगानी है।
तो ये देखिए थोड़ा सा अब इसको हम सफाई कर लेते हैं। इसकी ट्रे हमारी जो है बनाते बनाते थोड़ी गंदी हो गई है, तो मैंने टिश्यू पेपर लिया है और ये देखिए एजेस मैंने कितनी अच्छी से बनाई हैं बिल्कुल। इसको साफ कर देंगे हम थोड़ा सा ताकि नीट एंड क्लीन लगे। एजेस बहुत अच्छी बनानी है आपको ताकि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मार्केट से लाए हैं। तो अब हमें ऊपर चॉकलेट की लेयर लगानी है, उसके लिए मैंने मिल्क चॉकलेट के अंदर थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम डाल के और उसको 5 मिनट के लिए गैस पर कुक करके इस तरह से थिकनेस दे दी है। आप सिंपल चॉकलेट को मेल्ट करके भी काम में ले सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल रेसिपी इस चॉकलेट की चाहिए तो मेरा चॉकलेट केक रेसिपी देख सकते हैं, उसमें मैंने तैयार किया है ये। तो ये देखिए अब इसकी हम एक अच्छे से लेयर लगाएंगे, तभी चॉकलेट वाला जो असली बढ़िया वाला जो चॉकलेट का यमी फ्लेवर होता है ना, वो इसी से ही आने वाला है। आप चाहें तो सिंपल से कोई भी चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर पोर कर सकते हैं और फिर उसको फ्रीजर में रख के सेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा थिक इसलिए बना लिया, सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए एजेस कितनी अच्छे से बनाई है ना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन बनी है एकदम से। तो ये हमारी लेयर लग चुकी है, अब इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे ऊपर से। तो इसके लिए मैंने पाइपिंग बैग लिया है डिस्पोजेबल, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे एक कट लगाएंगे इसके अंदर हम ऊपर से, ताकि इसमें से हम नोज़ल को बाहर निकाल सकें। ये नोज़ल है मेरा स्टार नोज़ल है, इसमें से मैं इसको इस तरह से अंदर डालूँगी और अंदर डाल के ये वहाँ कट लगी हुई जगह में से बाहर निकल के आ जाएगा और फिर हम इसको सेलो टेप से बंद कर देंगे। तो यहाँ मैं कट लगा करके इस तरह से इसको तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने एक पहले से ही पाइपिंग बैग बना करके तैयार कर लिया है, इसमें नोज़ल लगा दी है और इसको चारों तरफ से मैंने यहाँ पर इसको सेलो टेप से बहुत अच्छे से कवर कर दिया ताकि हमारी क्रीम बाहर नहीं आएगी जब हम इसको प्रेशर से निकालेंगे वहाँ से नोज़ल में से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें क्रीम कैसे भरनी है। इसके लिए आप गिलास लीजिए या कप लीजिए और उसके अंदर इसको रिवर्स कर दीजिए पाइपिंग बैग को और इसमें हम क्रीम भर देंगे। तो मैंने इस तरह से भर करके फ्रेंड्स पहले से ही एक पाइपिंग बैग तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं क्रीम। ये देखिए मैंने पाइपिंग बैग इसी वाली क्रीम को मैंने इसमें बची हुई को इसमें भर दिया है। तो अब हम इससे थोड़ा सा कर देंगे इसको गार्निश। यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है डिज़ाइन बनाने के लिए, अगर आप चाहें तो डिज़ाइन बनाइए, वरना आप जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, आप उसको स्प्रिंकलर्स मिलते हैं बहुत सारे डोनट डेकोरेट करने के लिए, आप वो भी इसमें डाल करके और आप इसमें जो है वो चेरीज वगैरह लगा सकते हैं, टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब डिज़ाइन हमें इस तरह से बनानी है कि हमें इस एक चौकोर हिस्से से हमें दो पेस्ट्री तैयार करनी है। तो हम डिज़ाइन उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हम यहाँ बीच में से इसको कट करेंगे। तो आप डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे जेम्स भी काम में ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी स्प्रिंकलर्स मार्केट में आते हैं और जो जैम आता है फ्रूट जैम, उसको पाइपिंग बैग में भर के उससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं मैश करके उसको। तो ये देखिए मैंने क्रीम से यहाँ डिज़ाइन बना ली है, बिल्कुल बीच में से मैंने डिवाइड करते हुए बनाया है। थोड़ी सी वाइट क्रीम भी इसमें यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ा सा डेकोरेशन और अच्छा हो जाएगा। पेस्ट्री जितनी ज़्यादा डेकोरेट हो उतनी अच्छी लगती है। अब यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चेरीज का, इसको मैंने दो में डिवाइड करके हाफ ऑफ करके। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ चॉकलेट के स्प्रिंकलर, ये भी मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं तो डिज़ाइन और भी अच्छी हो जाएगी। चेरी लगाने से क्या होता है कि थोड़ी सी इसमें ग्रेसफुल और लग रहा है ये। तो चलिए अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी दिखती है और इसमें लेयर्स कैसी बनी है। बहुत ही आसानी से कट रही है ये देखिए। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी कमाल की लग रही है ना इसकी लेयर्स, और ये सॉफ्टनेस देखिए आप, बहुत ही गजब की है फ्रेंड्स। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मॉइस्ट खूबसूरत लग रही है, कोई भी नहीं कहेगा आपको। ये देखिए एक बाइट लेके मैं बताती हूँ, विश्वास ही नहीं होगा किसी को कि आपने ये घर में चॉकलेट पेस्ट्री बनाई है। तो आप भी बनाइए इस तरह से घर में चॉकलेट पेस्ट्री और सबसे तारीफ मिलेगी आपको भी, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, कमाल की बनी है फ्रेंड्स, मज़ा ही आ गया, बहुत टेस्टी बनी है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।